सियासत के गढ़ के सफर में आज हम पहुंचे हैं जोधपुर। यहां का चुनाव ना केवल राजस्थान के चुनाव के नज़रिए से देखा जा रहा है, बल्कि देश में भी राजनेताओं की और विश्लेषकों की नज़रें राजस्थान के जोधपुर के चुनाव पर टिकी है। आखिर क्यों ना हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव यहां से चुनावी समर में हैं और उनके सामने हैं केंद्र सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो अपना दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान की सूर्य नगरी कहे जाने वाले जोधपुर के अंदर, मारवाड़ की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले जोधपुर के अंदर एक और स्वाभिमान दांव पर है तो दूसरी ओर जोधपुर का विकास। बातें की जा रही है, नारे भी यहाँ विकास के बुलंद हो रहे हैं। अशोक गहलोत ने अपने पुराने कार्यकालों के दौरान क्या कुछ जोधपुर के लिए किया, वो तमाम बातें बताई जा रही हैं। जोधपुर कैसे आगे बढ़ा वो भी बताया जा रहा है। लेकिन इन सब नारों और वादों के बीच में जोधपुर का चुनाव टिक गया है आकर नरेंद्र मोदी फैक्टर और अशोक गहलोत के बीच। ये पूरा चुनाव राजनीतिक तौर पर राजस्थान की दशा और दिशा को भी प्रभावित करने वाला चुनाव होगा। एक और अशोक गहलोत, जिन्होंने जोधपुर की गलियों में पले बड़े होकर जोधपुर की विश्वविद्यालय कॉलेज की राजनीति से निकलकर और मुख्यमंत्री के औहदों तक पहुँचे, तीन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में वो मंत्री रहे, लेकिन यहाँ चुनाव वो खुद नहीं लड़ रहे, उनके पुत्र लड़ रहे हैं, लिहाजा चुनौती बड़ी है। यहाँ ना तो जातीय गणित को देखा जा रहा है, ना यहाँ पर राजनीतिक अतीत को देखा जा रहा है, यहाँ देखा जा रहा है स्वाभिमान, प्रतिष्ठा और साख को। साख किसकी बरकरार रहेगी ये तो चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जोधपुर का ये चुनाव माइलस्टोन चुनाव राजस्थान की राजनीति में कहलाएगा। वैभव अगर चुनाव जीतते हैं तो यूँ कह सकते हैं कि वो चमकते सितारे की तरह राजस्थान की राजनीति में उनका उदय होगा। तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत अगर चुनाव जीतते हैं तो यूँ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति वो प्रभावित करेंगे। क्या कहती है जोधपुर की फिजा, क्या कहती है जोधपुर की राजनीति, चलिए आगे बताते हैं और दिखाते हैं अशोक गहलोत के सियासी सफर को और गजेंद्र सिंह शेखावत से मिल रही चुनौती को। आज़ादी से पहले ही जोधपुर में सियासत का इतिहास शुरू हो जाता है, ऐसी सियासत जिसके कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास चुनाव हार गए, ऐसी सियासत जब महाराजा खुद की पार्टी बनाकर चुनावी समर में उतर गए, चुनाव भी जीते लेकिन दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन इन सबसे पहले हम जोधपुर का वो सियासी इतिहास आपके सामने रखेंगे जिसने आजाद भारत में जोधपुर रियासत के सम्मिलित होने की नींव रखी थी। इन्हीं रियासतों के एकीकरण के कारण सरदार पटेल कहलाए लौह पुरुष। जोधपुर की राजनीति का इतिहास खांटी सियासत का रहा है। कई चुनाव परिणाम ऐसे रहे जिन्होंने प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया। जयनारायण व्यास यहाँ से मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़े थे, लेकिन दो जगहों से लड़े, दोनों जगहों से हारे। इसके साथ ही ऐसे कई चुनाव, परशुराम मदेना ने अपने जीवन का एकमात्र चुनाव हारा। इसके अलावा तो तमाम वो चुनाव वो जीते थे, ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री बनने का सफर उनका अधूरा रहा। अशोक गहलोत अपने जीवन में कॉलेज के चुनाव हारे, विश्वविद्यालय के चुनाव हारे, लेकिन जब जीते तो ऐसे जीते कि राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री रहे, राजस्थान की कांग्रेस के युवा अध्यक्ष रहे। इतिहास की झलक देखते हैं। 1947 का कालखंड भारत को 15 अगस्त को आजादी का पर्व मनाना था, लेकिन इससे पहले ही सियासत का दौर शुरू हो गया और जोधपुर भी नहीं रहा उससे अछूता। पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत को तोड़ने के लिए सियासी शतरंज पर कुटिल चालें बिछा दी, भोपाल और जूनागढ़ को उकसा दिया और पाकिस्तान में जाने को आतुर हो उठे। इसी बीच संपर्क किया जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह से। देश में पाकिस्तान से सटी जिस रियासत की सर्वाधिक सीमा थी वो था जोधपुर, सामरिक नजरिए से बेहद अहम। राजा से भोपाल नवाब के जरिए जिन्ना ने संपर्क साधा और पाकिस्तान में शामिल होने की पेशकश
कर दी। कहा जाता है कि जिन्ना ने जोधपुर महाराजा की हर शर्त को मानने की हाँ कर दी। जोधपुर दीवान के जरिए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को भनक लग गई और वे जोधपुर के उम्मेद भवन पहुंचे। उन्हें अपने सामने देखकर महाराजा चौंक गए। इतिहासकार कहते हैं कि इससे पहले सचिव मेनन के सामने महाराजा ने पिस्तौल तान दी थी। पटेल ने हनवंत सिंह से पाकिस्तान के साथ जाने को मना किया, पाकिस्तान की कुत्सित चालों से अवगत कराया। कूटनीतिक प्रेशर के आगे आखिरकार महाराजा माने और आजादी मिलने से ठीक चार दिन पहले 11 अगस्त 1947 को हनवंत सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन इस घटनाक्रम ने युवा महाराजा के मन में कांग्रेस के खिलाफ बीज बो दिए। लिहाजा पहले ही चुनावों में 1952 में प्रमुख राज्य रजवाड़ों को साथ लेकर बना दी राम राज्य परिषद और पूरे मारवाड़ में चुनाव लड़ लिया। लोकसभा और विधानसभा में उम्मीदवार उतार दिए। महाराजा हनवंत सिंह ने दो चुनाव एक साथ लड़े, एक जोधपुर से लोकसभा का और दूसरा विधानसभा का। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को उन्होंने भारी मतों से हरा दिया। इतना ही नहीं, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर की 26 सीटों में से कांग्रेस को एक भी नहीं मिली। नागौर में नाथुराम मिर्धा और मथुरा दास माथुर ने कांग्रेस की लाज रखी। हनवंत सिंह विजय के उन्माद में अपनी प्रेयसी जुबैदा के साथ चार्टर प्लेन में सैर करने को निकल गए। प्लेन क्रैश हो गया और उनकी महज 29 साल की उम्र में मौत हो गई। चुनावी नतीजे उनके निधन के बाद आए। जनता में लोकप्रियता के कारण हनवंत सिंह लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ जीते। पहली बार देश में उपचुनाव भी जोधपुर में हुआ। राज परिवार की राजनीति का इतिहास यही खत्म नहीं होता। हनवंत सिंह की पत्नी कृष्णा कुमारी भी जोधपुर से 1971 में बतौर निर्दलीय रही और उनकी पुत्री चंद्रेश कुमारी कटोच भी 2009 में कांग्रेस से सांसद बनी। चंद्रेश कुमारी यूपीए कैबिनेट में मंत्री भी रही। जोधपुर राज परिवार के मौजूदा शासक गज सिंह हैं। वे रियासत की राजनीति में सक्रिय नहीं, मगर रुतबा आज भी बरकरार है। उनका इशारा ही किसी की जीत और पराजय के लिए काफी है। जोधपुर की सियासत में पहले चुनाव में कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार यासीन नूरी को उतारा था। यहां से कद्दावर राजपूत क्षत्रप सवंत सिंह भी सांसद रह चुके हैं और जसवंत सिंह बिश्नोई भी सांसद रहे। आज गजेंद्र सिंह शेखावत यहां से सांसद और चुनावी समर में उतरे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये उनके जीवन का पहला चुनाव है। वैभव के पिता जोधपुर के सांसद रह चुके हैं। आज मारवाड़ को अशोक गहलोत के कारण देश के सियासी मानचित्र पर पहचान हासिल है। मारवाड़ के गांधी अशोक गहलोत। दशक 60 के आसपास घटना जोधपुर के सुमेर स्कूल की। वहां एक छात्र ने राजनीति की पाठशाला में पहला कदम आगे बढ़ाया। चुनाव था क्लास रिप्रेजेंटेटिव का। लीडरशिप के गुण थे, पढ़ाई में रुचि थी, दोस्तों ने कहा तो लड़ लिया सीआर का चुनाव। अगले साल एक बार फिर कोशिश की, लेकिन फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया। अशोक गहलोत ने अपने जीवन काल में शुरुआती चुनावों में हार का स्वाद जरूर चखा, मगर हिम्मत नहीं हारी। स्कूल, कॉलेज और फिर लोकसभा के भी एक चुनाव में शिकस्त खाई, लेकिन पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आज तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। पूरे राजस्थान में घूम रहा हूँ, कभी कभी मैं आता हूँ जोधपुर में, आप लोगों से मिलता हूँ, मिलूंगा के क्षेत्र में जाऊंगा। पर पूरा चुनाव आपने संभाला, मेरा भी संभाला था। इसी जगह मैंने कहा था आपको, लास्ट में दो दिन में आया था, पूरा काम आपने किया था, मुझे भारी बहुमत से कामयाब किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा खुद का आना नहीं होगा, पर आप सब लोग मिलकर के वैभव गहलोत को आशीर्वाद दें, उसको कामयाब करें। सियासत के जादूगर अशोक गहलोत। जोधपुर में 3 मई 1951 को अशोक गहलोत का जन्म हुआ। पिता बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत भी सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी थे, नगर पालिका की राजनीति भी करते रहे, लिहाजा अशोक गहलोत में राजनीति के अनुवांशिक गुण भी आ गए। अधिकांश लोग सोचते होंगे कि माली वर्ग से आने वाला ये परिवार कैसे जादूगर परिवार कहलाया। पिछली बार मुख्यमंत्री राहुल गांधी ने बनाया है, तो आप सोच सकते हैं कि एक ओबीसी का आदमी, आपको शायद कहना चाहूंगा मैं, विधानसभा में हमारे 100 सदस्य हैं और ओबीसी का मैं और जाति का मैं अकेला मेंबर हूं, वहां पर अकेला मेंबर हूं मैं, तभी मुख्यमंत्री हूं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, जो ध्यान रखती है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, कांग्रेस प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित होते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं।
जोधपुर को सियासत का केंद्र बनाने में गहलोत को बहुत परिश्रम करना पड़ा। सफर की शुरुआत कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से हुई। यहां से उन्होंने अर्जुन की तरह राजनीति की मछली पर निगाहें जमा दी। 1974 में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। यहां से दौर शुरू होता है परसराम मदेरणा की राजनीतिक पाठशाला में दाखिले का। कद्दावर किसान नेता, अनुशासन पसंद, सिद्धांत के पक्के और गांधी परिवार के नजदीकी परसराम मदेरणा को कोई यूं ही पसंद आ जाए, ये संभव नहीं। उन्होंने पारखी सियासी नजरों से गहलोत के अंदर सियासी कुव्वत देखी। आपातकाल के बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में जब इंदिरा गांधी को जोधपुर से अच्छे जिताऊ चेहरे की तलाश थी, तब परसराम मदेरणा ने गहलोत के नाम पर रजामंदी दी। हालांकि इससे पहले गहलोत को युवा नेतृत्व के तौर पर जोधपुर शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया था। ये सियासी जादूगरी थी जिसमें गहलोत ने सफलता पाई। कारण साफ है, जोधपुर में उस जमाने में कांग्रेस का वोट बैंक साफ तौर पर जाट, बिश्नोई, ब्राह्मण और दलित हुआ करते थे। OBC के तौर पर जाट ही प्रभावी थे, जबकि माली जाति के लोगों का जनसंघ के प्रति रुझान था। ऐसे में माली वर्ग के एक युवा चेहरे को जाट प्रधानता वाले लोकसभा क्षेत्र जोधपुर में चुनाव लड़ा दिया जाए, ये किसी अचरज से कम नहीं था। वो कांग्रेस में जहां जाट नेताओं की तूती बोलती थी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार में गहलोत मंत्री बने। केवल 1990 में एक लोकसभा का चुनाव हारे, वो भी जसवंत सिंह से। के जय नारायण व्यास बरकतुल्ला खां की फेहरिस्त में शुमार हो गए। केवल 34 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और फिर सांसद रहते हुए 1998 में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। व्यास और खान के बाद सूर्यनगरी की सियासत से निकलकर मुख्यमंत्री बनने का गौरव उन्हें मिला। सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव, राजस्थान सरकार में गृह मंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष समेत कई पदों पर रह चुके अशोक गहलोत को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। वैचारिक तौर पर वे गांधी जी के सिद्धांतों के फॉलोअर रहे हैं। अशोक गहलोत ने 1980 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ते वक्त जोधपुर की जनता से कहा था कि यहाँ की यश कीर्ति बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों की मान मर्यादा में कोई कमी आए ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा, यदि ऐसा किया तो जोधपुर वासी मुझे चाहे जो सजा दे सकते हैं। 28 साल के नौजवान ने अपने पहले ही चुनाव में ये बात कही थी और आज उनके पुत्र वैभव गहलोत भी यही बात दोहरा रहे हैं। सियासत के गढ़ में हमने बात की वैभव गहलोत से, लगातार व्यस्त हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। वैभव जी, चुनाव में लगातार जो समर्थन अभी तक मिल रहा है उसको किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत अपार समर्थन, बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का प्रेम, जो आप लोग खुद पूरे दिन से देख रहे हैं किस तरीके से पूरा जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मुझे बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का प्रेम, माताओं बहनों का आशीर्वाद सब मिल रहा है। किस तरह का एजेंडा सामने है, क्या सपने हैं जोधपुर को लेकर? मैंने मेरे भाषणों में ही कहा है कि जोधपुर में जो 3 महीने पहले तक भाजपा की सरकार थी, जो विकास के काम अवरुद्ध हो गए, यहाँ पे सड़कों की हालत ठीक नहीं, बिजली पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं, यही मेरा एजेंडा है कि विकास का एजेंडा। BJP के उम्मीदवार कहते हैं राष्ट्रवाद बनाम वंशवाद का नारा वो जोधपुर में लगा रहे। वंशवाद, मैं 15 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, मैं पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा, बिना किसी पद के मैंने 10 साल तक काम किया, फिर मुझे PCC मेंबर बनाया, उसके बाद पार्टी का महासचिव बनाया। 15 साल से मैं कहीं कोई विदेश में नहीं पढ़ रहा था, ना मैं कोई धंधा पानी कर रहा था चेन्नई बेंगलोर में, और वहाँ से आके मैंने टिकट मुझे मिला है। मैं यहीं 15 साल से, आप सब मीडिया वाले जानते हैं किस तरीके से युवा कांग्रेस के कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया, विधानसभा के घेराव में भाग लिया सन 2005 में, जब मुझे लगी भी थी ये तमाम जो अभी पार्षद यहाँ पे रहे हुए हैं, ये 2004 में यहाँ पे 20 दिन तक मैंने चुनाव में प्रचार में काम किया है, ये सब चीज़ें कार्यकर्ता जानते हैं, जनता को ये सब चीज़ें ध्यान है। वैभव गहलोत का पहला चुनाव। युवा कांग्रेस की सियासत से वैभव गहलोत ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। इसके बाद वो PCC में आए और सबसे पहले नाथ द्वारा से PCC के सदस्य बने थे। उस समय डॉक्टर CP जोशी PCC के अध्यक्ष थे और उन्होंने ही वैभव को अपने गृह क्षेत्र नाथ द्वारा से PCC का सदस्य बनाया। यूं कह सकते हैं कि वे नाथ द्वारा से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए। इसके बाद वे सचिन पायलट की टीम में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बनाए गए। सबसे पहली कठिन चुनावी चुनौती मिली उन्हें धौलपुर में, जब उन्होंने उपचुनाव में चुनावी मैनेजमेंट संभाला। सरकार भाजपा की थी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। धौलपुर उनका गृह क्षेत्र है। वैभव ने कांग्रेस पार्टी के धौलपुर प्रभारी के नाते मोर्चा संभाला। ये वैभव का पहला टेस्ट था। हालांकि पार्टी चुनाव नहीं जीती, लेकिन वैभव की संगठनात्मक दक्षता को
तारीफ मिली। आगे चलकर वैभव गहलोत ने दो लोकसभा उपचुनावों अजमेर और अलवर में भी काम किया। बाद में रामगढ़ चुनावों में मोर्चे पर तैनात रहे और कांग्रेस पार्टी को जिताने में योगदान दिया। रामगढ़ से चुनावी जीत में वैभव गहलोत की दक्षता से तारीफ हुई। खास बात यह कि वैभव गहलोत ने बतौर कार्यकर्ता ही कांग्रेस में अपनी शुरुआत की, नेता बनकर नहीं। उन्होंने कभी झलकने नहीं दिया कि वे कद्दावर नेता अशोक गहलोत के पुत्र हैं। गहलोत पाठशाला से पढ़कर राजस्थान की कांग्रेस में दूसरी कोई पाठशाला नहीं कही जा सकती। इसके बावजूद वैभव ने सियासत को समझने के लिए डॉक्टर सीपी जोशी की उंगली को थामा और सचिन पायलट से सियासी बारीकियों को समझा। डॉक्टर सीपी जोशी ने ही जिद करके उन्हें पहली बार पीसीसी डेलीगेट्स की सूची में शामिल किया। बाद में डॉक्टर चंद्रभान और फिर सचिन पायलट के साथ काम करने का अवसर मिला। सचिन पायलट ने वैभव के लिए साफ कहा था कि उन्हें चुनावी अवसर मिलना चाहिए, वो चुनाव लड़ने के काबिल है। फिर जोधपुर में पायलट ने यह भी कहा कि दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के सामने वैभव गहलोत की जमानत देकर आया हूं। ये चुनाव जोधपुर की जनता, जोधपुर के तमाम सीनियर नेता और तमाम कार्यकर्ता और अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता ये चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं मेरे साथ। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ विकास के काम अवरुद्ध हो गए थे, विकास का जो गति चल रही थी वो टूट गई थी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं इस विकास की गति को वापस रफ्तार में लाऊंगा। जोधपुर से सटे सरहदी इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। तन सिंह के विचारों ने ताकत बढ़ाने का काम किया। वैचारिक समानता के कारण राजपूत क्षत्रप तन सिंह ने संघ की मदद की, लेकिन उनको तलाश थी ऐसे युवा की जो तन सिंह की विचारधारा से प्रेरित हो और सरहद से सटे क्षेत्रों में हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ाने का काम कर सके। उसी समय जोधपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में गजेंद्र सिंह शेखावत का उदय हो चुका था। एबीवीपी और तन सिंह की विचारधारा से ओतप्रोत गजेंद्र सिंह शेखावत और उनका परिवार क्षत्रिय युवक संघ से जुड़ चुका था। गजेंद्र सिंह ने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीतकर संघ प्रचारकों का दिल जीत लिया। लिहाजा जोधपुर प्रांत के संघ ने निर्णय लिया कि गजेंद्र सिंह शेखावत को सरहद पर भेजा जाए। सीमा जन कल्याण समिति के सदस्य के रूप में गजेंद्र सिंह ने कुछ साल पहले सरहद के इलाकों में बिताए और राष्ट्रवाद विचारधारा आधारित स्कूल खोलने के लिए काम किया और गठित की युवा टोलियां। बीते लोकसभा चुनावों में जब चंद्रेश कुमारी के सामने मजबूत राजपूत क्षत्रप तलाशे जा रहे थे, तब संघ ने नाम सुझाया गजेंद्र सिंह शेखावत का। राठौड़ और भाटी बहुलता वाले राजपूत प्रभावित लोकसभा सीट पर शेखावत को टिकट देना बीजेपी के कई स्थानीय राजपूत क्षत्रपों को रास नहीं आया, लेकिन 400,000 वोटों से जोधपुर राजघराने की बेटी चंद्रेश कुमारी को हराकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने गोत्रीय मिथक तोड़ दिया। निश्चित रूप से अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। मैंने अपने बचपन से इसी संगठन के साथ में अपना जीवन प्रारंभ किया था और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि मैं आज जिस मुकाम पर पहुँचा हूँ, उस मुकाम पर पहुँचने के लिए मेरे जीवन के संबल और प्रेरक पूजनीय तन सिंह जी के आशीर्वाद, मुझे लगा है उन्होंने जो सिखाया उसी क्रम में चलते हुए यहाँ पहुँचे। पार्टी ने मुझे मौका दिया है और धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि मुझे जोधपुर की एक बार सेवा और सेवा करने का मौका दिया है। जहाँ हम अभी बैठ करके यहाँ बात कर रहे हैं, विधायक छोटे भाई बाबू सिंह जी यहाँ बैठे हैं, इस पंचायत की परिस्थिति आज से 10 साल पहले कैसी थी? गांव में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। पिछले 5 साल में इस जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 1,00,000 घरों तक रोशनी पहुंची है। जो काम 55 साल में नहीं हुआ उससे ज्यादा काम पिछले 5 साल में हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत मारवाड़ के मोदी मैन। गजेंद्र सिंह शेखावत ने 5 मिनट की मुलाकात में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल जीत लिया था और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बन गए थे। टेक्नो फ्रेंडली और सोशल मीडिया में दक्ष ये नेता आज मोदी और अमित शाह दोनों को पसंद है। जोधपुर के ये मौजूदा सांसद अब फिर मैदान में हैं। छात्र राजनीति, संघ के स्वयंसेवक के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत का अतीत रहा है और आज मोदी मैन के तौर पर भी इन्हें मारवाड़ में जाना जाता है। 72 दिनों तक इन्हीं के कारण बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पाया था। मदन लाल सैनी को खोजने में 72 दिन लग गए थे बीजेपी के केंद्रीय और राज्य के नेतृत्व को। देखिए, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, पूरे राजस्थान में केवल हम 0.5% से कम मतांतर से सत्ता से बाहर हुए हैं। निश्चित रूप से जनता का फैसला है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारा वोट डिफरेंस जो बीजेपी को मिला और कांग्रेस को मिला वो 1,40,000 वोट से कम था। राजस्थान में 50,000 बूथ हैं, 3 बूथ पर बूथ के हिसाब से भी हम वोट से हम सत्ता से बाहर हुए हैं। लेकिन विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, अलग तरह के मुद्दों पर लड़े जाते हैं। इस बार जैसा मैंने कहा, कोई मुद्दा नहीं है, केवल और केवल एक ही धुन देश की जनता के सामने है, वो है इस देश का वैभव कौन पुनः स्थापित कर सकता है। मारवाड़ में मुकाबला है मारवाड़ के गांधी और मोदी मैन के बीच।
गहलोत उस पीढ़ी की सियासत की अगुवाई करते हैं जो मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत जैसे दिग्गजों की फिलॉसफी रही है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत उभरते हुए क्षत्रप हैं। गहलोत के पिता शौकिया जादूगर थे और अशोक गहलोत सियासत के जादूगर। पूरे जीवन में उन्होंने वास्तविक जादू एक बार ही दिखाया और सियासी जादूगरी हम बरसों से देखते आ रहे हैं। यही सियासी जादूगरी है गजेंद्र सिंह के सामने चुनौती। जोधपुर की सियासी और चुनावी जंग परिणामों के अनुसार क्या कहेगी, इस पर तो सबकी नजरें टिकेंगी, लेकिन जरूरी ये भी है कि यहाँ की जो राजनीति है उसकी दशा भी परिणामों से तय हो जाएगी। मारवाड़ के गांधी के रूप में चर्चित अशोक गहलोत सियासी जादूगर भी कहे जाते हैं। जादूगरी का इम्तिहान ये चुनाव अब उनका ले रहा है। इससे पहले के इम्तिहानों में वो अव्वल नंबर से पास हुए हैं और यही कारण है, और वो खुद भी कहते हैं कि जिस जाति से वो आते हैं उस जाति की राजनीति के अंदर उतनी दखलंदाजी नहीं है, इसके बावजूद वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने चुनौती बड़ी है, मुकाबला उन्हें बड़े दिग्गजों से लड़ना पड़ रहा है, लेकिन हार नहीं मानने का हौसला उनका बरकरार है। चुनाव परिणाम क्या कहेंगे, जोधपुर की दशा और दिशा क्या होगी, ये ज़रूर है, यहाँ जो जीतेगा वो ना केवल मारवाड़ की राजनीति का दूरगामी चेहरा होगा बल्कि राजधानी जयपुर पर भी उसका सियासी वरदस्त हमें देखने को मिलेगा। सियासत के गढ़ के इस सफ़र में आपने जोधपुर की सियासत को समझा और चुनावी रंगत आपको देखने को मिली। अगले सफ़र में फिर हम किसी नए सियासी गढ़ की ओर होंगे। कैमरा जर्नलिस्ट धर्मेंद्र सिंगल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।